इसके आगे भी एक ट्री का सिंबल है। और मेन चीज मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इस साइकिल को बाय करने का मेरा एक ही मकसद था, क्योंकि ये इंडियन वेरिएंट है। चलो चलो राइट बाइसिकल प्लांट ट्री सेव इन्वायरमेंट, मतलब कि ओमो वालों साइकिल वालों का कहना है कि आप कभी जब कभी भी एक न्यू बाइसिकल बाय करते हो तो आप एक ट्री जरूर लगाइए। तो भाई राम राम सभी दोस्तों ने, और दोस्तों मैं आपका अपना दोस्त रोहित साइकिल राइडर आ चुका हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी 1 तारीख को एक न्यू राइड स्टार्ट होने वाली है, जो कि है अजमेर से अयोध्या तक के लिए। लेकिन उसी के लिए मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेके आया भाई साहब। ये है हमारी न्यू बाइसाइकिल, और अभी से जल्दी जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं। आपको लाओ हमारा जल्दी से और देख लीजिएगा, मैं सारी कुछ चीज़ें आपको दिखाते जाऊँगा। ये ओमो की साइकिल परचेज की है मैंने, और जो कि मैंने पहले भी बता दिया था, और काफ़ी अच्छी पैकिंग है इसकी। ये साइकिल मैंने पहली बार बाय की है, और दिखाता हूँ आपको। इसका फ्रंट व्हील होता है वो एकदम से आगे फिर पैक होके आता है, और हैंडल जो कि साइड में लगा हुआ होता है ये कुछ ही मिनटों के अंदर असेंबल हो जाती है, कोई ज़्यादा दिक्कत ना पेद नहीं है। इसे हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं पहले। यह है वैसे सबसे जो बढ़िया चीज़ मुझे एक लगी है ओमो वालों की, आप देख सकते हो राइट बाइसिकल प्लांट ट्री सेव इन्वायरमेंट। सो गाइस इधर ये आप देख सकते हो इतना बड़ा लोगो लगा हुआ है राइट बाइसिकल प्लांट ट्री सेव इन्वायरमेंट, मतलब कि ओमो वालों साइकिल वालों का कहना है कि आप कभी जब कभी भी एक न्यू बाइसिकल बाय करते हो तो आप एक ट्री जरूर और लगाइए। आगे भी एक सिंबल आया हुआ है, दिखा दीजिए, ये इसके आगे भी एक ट्री का सिंबल है। और मेन चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस साइकिल को बाय करने का मेरा एक ही मकसद था, क्योंकि ये इंडियन वेरिएंट है। ये जो आगे जो ट्रीज लगाए हुए हैं ना, इसी वजह से मैंने इसे बाय किया, क्योंकि भाई मुझे पेड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है। चलो अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या आया है। इसमें ये कुछ वो ही आते हैं कुछ पढ़ने लिखने के लिए, जिसे हम कभी पढ़ते नहीं क्योंकि हम इससे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। इसमें आया है कुछ ये पेडल्स और कीज आई है, जो कि इसे असेंबल करने में काम आएगी। इन्हें जल्दी जल्दी से असेंबल करते हैं और फिर जल्दी से मिलते हैं। वैसे इसके साथ में आपको जो ये जो 3 की मिलेगी, जिसे 2 को हम एलेंग के बोलते हैं, ये मुझे पता नहीं ये कहाँ लगेगी, पर ये तो फ्रंट हैंडल के एलेंग के में लगेगी और इनका पता नहीं है। और इसका जो भी देखते हैं ये शायद पेडल में लगेगी, तो इसे जल्दी जल्दी से पहले हैंडल लगा लेते हैं। फाइनली गाइस हमारी जो साइकिल है वो एकदम से असेंबल हो चुकी है। थोड़ी सा टाइम लगा मुझे क्योंकि इसकी जो पॉलोथीन है हटाने में। अब मैं इसको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। यह है एलॉय फ्रेम जो कि काफ़ी लाइट वेट है, आप देख सकते हो ये हल्का सा ये देखिए ये एलॉय फ्रेम है, तो इस वजह से इसका वेट कम है। और फिर मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर शिमानो के गेयर्स है, जो शिमानो टूर्नी आप देख सकते हो यहाँ पे शिमानो टूर्नी के गेयर सिस्टम्स है, और 21 गेयर्स बोलते हैं जिन्हें। और मैं एकदम साफ और सरल लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको, 3 गियर्स आगे हैं और 7 गियर्स पीछे हैं। मैं नहीं जानता 21 गियर्स कैसे होते हैं, आई डोंट नो, मैं इतना
प्रोफेशनल नहीं हूँ। और फिर ये देख सकते हो आप, ये जो पेडल्स लिए हैं मैंने प्लास्टिक वाले नहीं लिए हैं, ओनली फॉर मैंने लिए हैं एलुमिनियम वाले, क्योंकि एक्चुअल में प्लास्टिक वाले टूट जाते हैं इस वजह से। और इसके टायर की साइज़ देख सकते हो ये एकदम से पतला है, जिससे कि हमें रनिंग काफ़ी अच्छी मिलेगी बहुत ही ज़्यादा। और ये जो इसकी साइज़ है ये लगभग 29 है, जो कि हमें रनिंग काफ़ी अच्छी देगा, लॉन्ग राइड के लिए काफ़ी ही अच्छा होता है ये। और इसके बाद में हम आते हैं इसकी सीट क्वालिटी पे। सीट हमें दो प्रकार की मिलती है, एक तो छेदों वाली मिलती है और एक ये वाली मिलती है, लेकिन ये मुझे कंफर्ट लगी, ये काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो इसे काफ़ी बेहतरीन है। तो ये सीट है मैंने ली है। इसके बाद में मैंने जो सेलेक्ट किया, मैंने ये हैंडल बार सेलेक्ट किया था इसका, जो कि आप देख सकते हो ये है हैंडल, काफ़ी अच्छा है इसका। ये है फ्लैट बार, वो भी एल्युमिनियम का, काफ़ी ही अच्छा है एलॉय फ्रेम, जिसे आप देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। और आगे भी डिस्क ब्रेक है और पीछे भी डिस्क ब्रेक है, और बाकी आप चारों तरफ से देख सकते हो साइकिल को, काफ़ी ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। और इसके आगे हमें जो मिल जाता है वो मिल जाता है, ये आप देख सकते हो आगे ये जो सिंबल मिल जाता है ट्री का, सेव इन्वायरमेंट के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये चीज़ के, ये काफ़ी अच्छी है। और हमें मिलती है यहाँ पे आगे वाले में क्विक रिलीज, जो कि काफ़ी मतलब बहुत ही सुविधा वाली चीज़ है। क्विक रिलीज में ये होता है कि हमें टूल नहीं लगाना पड़ता, चाबी पाना नहीं लगाना पड़ता, सरल भाषा में पाना नहीं लगाना पड़ता, इसे क्विक करो और ये टायर निकल जाएगा। बस पीछे वाले में ऐसा कुछ नहीं होता है, पीछे वाले के अंदर हमें लगाना ही पड़ेगा। तो इतना कुछ यहाँ पर आता है, हमें मिलता है। जल्दी से कमेंट करके बता देना कि भाई हमारी ये साइकिल आपको कैसी लगी। और अभी इसकी राइड करके फिर देखते हैं कि कैसा है। और इसका गियर सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है, मैं अभी ट्राई करके देखा है। फाइनली दोस्तों अभी सब चलाने की बारी आ चुकी है, घर से बाहर निकल लिया मैंने और काफ़ी एक्साइटमेंट मची हुई है भाई का, अभी इसे चला के देखते हैं। लेकिन यहाँ पर रोड रेंज अच्छी नहीं है तो हमें कहीं और जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी चला के देख ही लेते हैं, हमारा मन कहाँ मानता है इसे ऑफ रोडिंग ऑन रोडिंग, अभी इसे हर जगह जाना है, चलाते हैं। आजी लल्ला क्या है साइकिल, बढ़िया। तो देखो गाइस ये वाली है अपनी नई वाली धन्नो और ये है पुरानी वाली, इसमें इसमें काफी फर्क है, ये काफी थोड़ी हाइट में है और वो थोड़ी नीचे है। और इसका व्हीली देख सकते हो, ये 26 नंबर है और ये 29 नंबर, और इसमें गियर्स है और ये नॉन सिंगल है, इसने भी मतलब काफी साथ दिया है मेरा, जैसा कि आप देख सकते हो। ये साइकिल काफी मेरी यादगार रही है, काफ़ी कुछ किया है इसने बलिदान, अब ये बलिदान देने वाली है मेरे लिए, अभी जाएगी सीधा अयोध्या और क्या पता मतलब कहाँ कहाँ तक जाएगी मुझे भी नहीं पता। अभी इसकी एक राइड करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं जल्दी से। दोस्तों अभी हमारे भैया गए हुए हैं साइकिल को ट्राई करने और देखो वो आ रहे हैं, जैसा कि सामने उनका तो कहना है बहुत अच्छी है, अभी देखते हैं वही बताएंगे कि साइकिल का क्या सीन है, अच्छी है या नहीं है। ठीक है, हाँ भैया बताओ। बहुत शानदार साइकिल है यार, अच्छी है, चलने में कैसी रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी। और लाइट वेट है या? बिल्कुल लाइट वेट है, बहुत अच्छी है और बहुत इजी चलती है। चलो बढ़िया है, बहुत आनंद आया मुझे आज, मैंने आज ये 20 साल बाद मैंने साइकिल चलाया। अरे वाह क्या बात है भैया, तो चला के मुझे लग रहा है कि मैं मेरी पुरानी वाली जो, आप भी शायद आप भी राम वहाँ पे जा सकते हो, राम मंदिर शायद, हाँ आप चाहो कोशिश कर सकते हो जाने के लिए। चलो जय श्री राम बोल दो फिर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख लो भैया जी बता रहे हैं बहुत ही हल्की चल रही है साइकिल, और मैंने भी पहली बार ही यही साइकिल चलाई है, और वो जो सिंगल फिर व्हील चलाई थी इतने वक्त आप सभी को पता कितना किलोमीटर में चलाया था, और ये तो बस क्या ही बोलूँ, मतलब समझ ही नहीं आ रहा, मतलब बातें ही बातें इसके लिए। तो स्पीड लिमिट, स्पीड ना।
शानदार है और ये हमें बहुत जल्दी पहुंचा देगी वैसे राम मंदिर। और देख सकते हो आप इसकी स्मूथनेस जो कि काफ़ी अच्छी है।